ओके, ये अब कंपेयरिंग क्वांटिटी का लास्ट लेक्चर है ये, इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, स्टैंडर्ड 7 मैथ्स 10 नंबर, व्हाट रेट गिव रुपीज 280 एज अ इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 5600 इन 2 ईयर्स। ओके, तो व्हाट रेट, तो रेट कितना देगा, रेट व्हाट रेट, रेट कितना देगा, तो ये हमको फाइंड करना है, रेट परसेंटेज फाइंड करना है। तो हमको क्या फाइंड करना है, आर का परसेंटेज हमको फाइंड करना है। तो आर फाइंड करना है, गिव्स 280 एज ए इंटरेस्ट, तो आई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको 280, आई इज इक्वल टू कितना दिया है 280 ऑन अ सम ऑफ 5600। सम ऑफ, मैंने क्या बताया था, जब जो प्रिंसिपल होती है उस प्रिंसिपल को हम सम भी बोल सकते हैं, मनी जो सब उनको हम पी लेते, क्या लेते हैं, पी, पी, पी की वैल्यू है 5600 इन 2 ईयर्स। तो एन इज इक्वल टू, या तो टी इज इक्वल टू कितना आएगा 2 ईयर्स। ओके, तो रेट कितना आया परसेंटेज में, वो आपको फाइंड करना है। आई 280 रुपीज दिया हुआ है, पी 5600, टी, ओके, तो ये 2 ईयर्स। तो सिंपल हमारा फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला I इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, आई कितना लिया था 280, पी कितना 5600, आर कितना वो तो फाइन करना है, टी की जगह पे 2 और ये 100, 10 20 20 20 कैंसिल। अभी देखो तो कितना आया, कितना आया ये, तो आर को फाइन करना है, आर जो था उसके अलावा जो भी था उसको आप कहाँ पर ले जाओ, सामने ले जाओ, आर के अलावा जो भी है वो कहाँ भी ले जाओ, सामने ले जाओ। तो कितना है ये 280 सामने 560 और 2। ओके ओके, चलो थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ तो आपको समझ में आए, 560 2, ये फिर से 00 कैंसिल, 28 2 जा 56, ये कितना आया 14 आंसर आया, कितना आया 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.25 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.25, मतलब कि इसने अगर 0.25% के रेट से अगर 5600 मीन्स 5356000 रुपीस अगर 2 साल के लिए लिए होंगे तब जाके उसका इंटरेस्ट 280 हुआ होगा। तो उसका जो इंटरेस्ट का जो रेट परसेंटेज होगा वो कितना होगा 0.25 या तो 1/4। ओके, अब 11, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 फॉर 1 ईयर एट 99% रेट ऑफ पर एनम, व्हाट इज द सम शी हैज बोरो, क्या दिया है, मीना गिव्स एन इंटरेस्ट, तो क्या दिया है ये आई, क्या दिया है आई, आई कितना दिया है 45, फिर आर दिया है कितना 9, टी कितना दिया है 1 ईयर, एंड आपको फाइन करना है सम, तो पी फाइन करना है, बस सिंपल पी इज इक्वल टू, सॉरी आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, आई 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 का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपको 45, पी वो तो पी तो हमको यहाँ पे पी फाइन करना है, पी की जगह पे तो पी ही लिखेंगे क्योंकि कुछ दिया है नहीं है, वो तो फाइन करना है, आर, आर की जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप पढ़ो तो क्या दिया है 9% रेट पर एनम, मिस पर एनम मिस हर साल का 9%, तो आर की वैल्यू दी हुई आपको कितनी दी है 9%, तो आर की जगह पे 9, टी, टी मीन्स नंबर ऑफ टर्न या तो नंबर ऑफ ईयर्स या तो कितने साल के लिए वो पैसे बोरो कर रहा है वो, तो ये वो उसकी जगह पे तो हमको 1 ईयर दिया हुआ है, तो टी की जगह पे 1 लिखो, यहाँ पे 1 लिखा डिवाइडेड बाय 100, हमको क्या फाइंड करना है पी, तो पी के अलावा जो भी बचा है उसको सामने ले जाओ, तो ये 100 कहाँ पे था, डिनोमिनेटर में था, वो यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये जो न्यूमरेटर में था वो सामने जाएगा तो डिनोमिनेटर में, लिखो फिर से, तो पी इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई, ये जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में, तो ये 100, और जो ये न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में, ये 9×1, अब 9 से 5, तो पी इज इक्वल टू कितना आया 100 × 500 रुपीज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर 1 साल का इंटरेस्ट 9% है और वो
45 रुपीज इंटरेस्ट दे रही है। कौन? मीना। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि उसने कितने पैसे बोरो किए हुए? 500। कितने बोरो किए हुए? 500। तो अगर मीना 500 बोरो कर रही है कितने इंटरेस्ट पे? 9% पे। और कितने साल के लिए? तो एक साल के लिए। तो उसको 45 जितना उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट देखा, सिंपल इंटरेस्ट देखा, फिर प्रॉफिट लॉस पे थोड़ा दिखा, फिर डेसिमल का कन्वर्ट किया परसेंटेज में, फिर पॉइंट वाले को वो भी कन्वर्ट किया, ये सब हमने इस चैप्टर में देखा। तो एक बार अपने हिसाब से पूरा चैप्टर देख लेना। ओके।